आज हम जा रहे हैं मनाली के तरफ। मनाली पहुंचने से पहले वो एक्साइटमेंट की फीलिंग ही कुछ अलग है। हम अब जा रहे हैं हमारे होटल के तरफ, जो ओल्ड मनाली रोड में लोकेटेड है। इस होटल से ओल्ड मनाली और हिडिंबा टेंपल वॉकिंग डिस्टेंस में है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल टिप्सी बॉन्ग ट्रैवलर्स। आज हम लोग मनाली में हैं और मैं आपको हमारे स्टे के बारे में दिखाऊंगी। हम लोग मनाली में ऑर्चिड ग्रीन रिजॉर्ट एंड स्पा में हैं। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये प्रॉपर्टी दो है, ठीक है। रिजॉर्ट एंड स्पा में हम लोग हैं, ये काफ़ी नई प्रॉपर्टी है और यहाँ पे ये मॉल रोड के काफ़ी सामने ही है। ये इसको बोलते हैं सर्किट हाउस एरिया, लॉगहार्ट एरिया एक्चुअली में अगर बोला जाए तो इस एरिया में आप कहीं भी बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये प्रॉपर्टी काफ़ी नई है, तो इस वजह से इस जगह की हर एक चीज़ काफ़ी इम्प्रूव्ड है इन कंपैरिजन टू द ओल्डर वन। और ये नीट एंड क्लीन के साथ साथ सर्विस इनके टॉप नॉच है। तो मैं आपको टोटल ये रिजॉर्ट यहाँ पे दिखाती हूँ एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा। अगर आपने हमारा पहला वीडियो इस टोटल हिमाचल के वीडियोस को मिस किए हो तो आई बटन में ज़रूर जाए और देखें, क्योंकि ऐसे कई सारे होटल्स हम लोग कवर किए हैं जो आप लोग ऑप्ट कर सकते हो वाइल यू आर ट्रैवलिंग। जैसे मैंने कहा, ऑर्चिड ग्रीन्स के दो प्रॉपर्टी है। ये पुराना प्रॉपर्टी को क्रॉस करके आपको नया प्रॉपर्टी में जाना पड़ता है। एज यू कैन सी, यहाँ पे अभी भी रेनोवेशन चल रही है, काफी नई प्रॉपर्टी है। दिस इज द रिसेप्शन एंड लाउंज एरिया। सामने ओपन सिटिंग है जहां आप बैठ के चिल मार सकते हो। चलिए, आई विल टेक यू अराउंड टू आवर रूम। एंड ये हॉलवे काफी नीट एंड क्लीन है एंड ये होटल काफी नई है। इस होटल में 55 रूम्स है जहां पे दो फैमिली सूट और 53 नॉर्मल रूम्स है। हाफ ऑफ द रूम्स हैव व्यूज, हाफ डजंट। सो ये है हमारा रूम टूर। हमने यहाँ पे एक लग्जरी रूम लिया है। आप यहाँ पे कार्ड इंसर्ट करोगे। अगर रूम क्लीनिंग चाहिए तो मेकअप रूम और डू नॉट डिस्टर्ब, नहीं तो डू नॉट डिस्टर्ब। आप अगर बाहर जाओगे तो एंड मेरे राइट में है यहाँ के वॉशरूम। सो ये है बेसिन। यहाँ पे आपको शावर कैप, सोप्स, हैंड वॉश, ये क्या है, बॉडी लोशन, आई डोंट नो व्हाट इज दिस बट कुछ है शायद, एक्स्ट्रा टॉयलेट पेपर, हेयर ड्रायर, मिरर, दिस इज द कमोड एरिया एंड यहाँ पे आपको एक वार्डरोब मिल जाएगी। एक सेफ भी है। आगे बढ़ते हैं, हमारे लगेज को इग्नोर कीजिए। दिस इज अ ह्यूज मिरर, काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस, आपको यहाँ पे एक फ्रिज, ऊपर चाय कॉफ़ी के लिए एक कॉफ़ी बार विथ केटल, टू बॉटल्स ऑफ मिनरल वाटर एंड लुक एट दिस गाइस, ये है हमारा बेडरूम। दो साइड टेबल्स है, स्टडी लाइट्स है
काफी सुंदर तरीके से इन्होंने सजाया है आज। एंड सिटिंग एरिया, एक स्टडी टेबल, चेयर नहीं दिख रही है मुझे। एंड चलिए मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। इसको ऑर्चिड ग्रीन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सब एप्पल्स के पेड़ हैं। अभी ठंड के टाइम है बोल के ये पेड़ आपको दिखेंगे नहीं। जस्ट लुक एट दिस व्यू। यहाँ पे दो सिटिंग चेयर्स भी हैं। आप ठंडी के टाइम आओगे तो यहाँ पे फुल लॉन स्नोफॉल होती है और ये पूरी जगह एक वाइट पैराडाइज में टर्न हो जाती है। मैं मिस कर गई बोलना, ये है टीवी कैबिनेट। आपके साइड में ऐसे मिनी ड्रॉवर्स रहेंगे और यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट का प्रोविजन भी मिल जाती है। आपको यहाँ पे वो लोग स्लीपर्स भी प्रोवाइड करेंगे। इट इज़ क्वाइट नाइस, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, काफ़ी नई है। हमारे लिए उन्होंने वेलकम ड्रिंक मंगवाई थी, हमने कॉफ़ी डिमांड किया क्योंकि बहुत ठंडी है यहाँ पे। नहीं तो आप चाहो तो जूस, चाय, कॉफ़ी कुछ भी ले सकते हो। दैट दिस इज़ आर कॉम्प्लीमेंट्री। गर्मा गर्म कॉफ़ी इन ठंडी के मौसम में मज़ा आ गया। ये है ऑर्चिड ग्रीन्स की मेन्यू। फूड प्राइसेस आर रीजनेबल बट खाना भी टाइम में मिल जाती है। जैसे मैंने कहा आपको, यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है। We ordered grilled chicken with mashed potatoes and veggies, साथ में mustard sauce and french fries भी दी गई थी। And it was unexpected that एक इस होटल से continental इतनी अच्छी मिलेगी। खाना काफी अच्छा था। ये रहा ऑर्चिड ग्रीन्स की रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं। ब्यूटिफुली डेकोरेटेड रेस्टोरेंट, लाइव सेक्शन है यहाँ पे वेर यू कैन मेक एग्स फॉर योर चॉइसेस। एंड इन जनरल फूड इज वेरी गुड, बट वेज ऑप्शंस काफ़ी अच्छे हैं, बट नॉन वेज ऑप्शंस इज वेरी लिमिटेड। मेरे पीछे आप सिर्फ ये नज़ारा देखो। स्नोफॉल के टाइम में ये पूरी जगह ढकी रहती है। मतलब अगर आप विंटर्स में, प्रॉपर विंटर्स में आओ ना, आपको यहाँ पे एक वाइट पैराडाइज दिखेगी। और सामने जो आप पेड़ देखे वो तो एप्पल ट्रीज हैं। तो ये अगर दो सीज़न में आप आओगे, दोनों सीज़न में ही आपको यहाँ के व्यू का मज़ा मिलेगा। सो ये था ऑर्चिड ग्रीन्स। मैं बोलूँगी अगर आप कभी आओ तो यहाँ ज़रूर रुकना, क्योंकि आपको यहाँ पे हर एक चीज़ की फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। तो मुझे ज़रूर इस वीडियो में बताना कि आपको कैसा लगा। वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कोई और जगह, कोई नई वीडियो लेके। तब तक बाय, टेक केयर।